सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शुरू में आपको व्हाट्सएप के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप टर्न ऑन करके ऑफ करके अपने व्हाट्सएप को सेफ और सिक्योर बना सकते हो। यानी आप अपने व्हाट्सएप चैट को, मैसेज को सेफ और सिक्योर कैसे कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमारे व्हाट्सएप में काफी सारे ऐसे सेटिंग्स दिए गए हैं जिसके बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। वो गलती से उनको टर्न ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका जो व्हाट्सएप चैट है वो लीक हो जाता है, व्हाट्सएप मैसेज कोई दूसरा बंदा पढ़ लेता है और उनको पता नहीं चलता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप चैट को, मैसेज को सेफ और सिक्योर कर सकते हो, कैसे आप दूसरों से अपने व्हाट्सएप चैट मैसेज को बचा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आज का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं होता है कि ये जो गलती हम कर रहे हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो दोस्तों, होता है क्या है कि सामने वाला बंदा हमारे चैट को पढ़ लेता है, हमारे व्हाट्सएप मैसेज को देख लेता है, हमें कभी भी इसका पता नहीं चलता है। तो आप इस चीज को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में एक चीज चेक करना है, आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट्स को ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप का, आपको चैट बैकअप पर क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल अकाउंट, आप देख सकते हो गूगल अकाउंट दिया गया है। आपको यहां पर चेक करना है कि जो जीमेल अकाउंट लॉगिन है वो आपका है या किसी और का है, आपको इस चीज को चेक करना है, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि यहां पर अननोन जीमेल अकाउंट लॉगिन होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। और होता क्या है कि हमारे चैट का, मैसेज का बैकअप उस जीमेल अकाउंट पर क्रिएट होता है, जिससे हमारे जो चैट्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो लीक हो जाते हैं, कोई दूसरा बंदा इन सब चीजों को पढ़ रहा होता है और इसका पता हमें नहीं चलता है। तो दोस्तों, आपको इस चीज को चेक करना है। अगर आपको लगता है कि यहां पर जो जीमेल अकाउंट लॉगिन है वो अननोन है, किसी दूसरे का है, आपका नहीं है, तो दोस्तों उसी टाइम पर आपको जीमेल अकाउंट को रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, आपको इस चीज को चेक करते रहना है हमेशा। ओके, इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक डिवाइस, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहां भी चेक करना है, ठीक है, कि आपका जो व्हाट्सएप है वो कहीं किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन तो नहीं है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने व्हाट्सएप को डेस्कटॉप में, लैपटॉप में लॉगिन कर देते हैं और दोस्तों लॉग आउट करना भूल जाते हैं। ठीक है, लॉग आउट करना भूल जाते हैं और होता क्या है कि कोई दूसरा बंदा हमारे चैट्स को, मैसेज को पढ़ लेता है, देख लेता है और हमें इसका पता नहीं चलता है। तो सिंपली आपको यहां पर चेक करना है कि जिस डिवाइस में आपने अपने व्हाट्सएप को लॉगिन किया है वो आपका है या अननोन डिवाइस है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो व्हाट्सएप है अननोन डिवाइस में लॉगिन है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ये हमारा डिवाइस नहीं है, तो उसी टाइम पर आपको अपने व्हाट्सएप को उस डिवाइस से लॉग आउट कर देना है। ठीक है, इस तरह गाइस आप लॉग आउट करके अपने व्हाट्सएप को सेफ और सिक्योर कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों, आपका जो व्हाट्सएप चैट है, मैसेज है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसको देख सकता है। इस तरह आपको लॉग आउट कर देना है और हमेशा इस चीज को चेक करते रहना है। इस सेटिंग में आके आपको इस चीज को चेक करते रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन है, आपको इसका पता ही नहीं है। आपको इस चीज को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको इंक्रिप्शन को चेक करना है। ठीक है, आप जिससे चैट कर रहे हो, दोस्तों आप जो चैट कर रहे हो वो इंक्रिप्टेड है या नहीं है, आपको इस चीज को चेक करना है। चेक करने के लिए सिंपली आपको उस चैट को ओपन करना है जिसका आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, जैसे हमने एक चैट ओपन कर लिया है, अब मान लो कि हमें इंक्रिप्शन को चेक करना है। ठीक है, हम इस नंबर से चैटिंग करते हैं, हमारा जो चैट है वो सेफ है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, सामने वाले के नंबर पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रिप्शन का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहां पर कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स शो हो जाएंगे, आपको यही काम सामने वाले को भी बोलना है कि वो भी आपके चैट्स को ओपन करे, इंक्रिप्शन को ओपन करे, और दोस्तों उसके भी व्हाट्सएप में ये नंबर शो होगा। ठीक है, आपको दोनों नंबर्स को मैच करना है। अगर दोनों नंबर मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चैट है वो इंक्रिप्टेड है, वो लीक नहीं हो रहा है, सेफ है, सिक्योर है, आपको इस चीज को चेक करना है। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का हमेशा ध्यान देना है, इन सब चीजों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।